अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन, यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप बहुत से हमसे बिल्स वगैरह बाय कर रहे हैं, कार्ड्स बाय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपको पता है कि सेटअप हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जैसे इसके सेटअप कंप्लीट होगा वो भी आपको विजिट कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ वीडियोज़ के लिए हमने सेटअप बनाया ताकि बासानी आपकी वीडियोज़ बन जाया करें, और जिनकी पीसी बिल्ड होती है, जिनका पीसी हमने बिल्ड करना होता है, उनको बासानी यहाँ वीडियो भी बना दिया करें, यहाँ ही पीसी बिल्ड कर दिया करें आपका, ताकि चीज़ भी साफ़ सुथरी बन जाए और बासानी आपको मिल जाए। तो इस वक्त हमने एक पीसी बिल्ड किया है आसिम खान भाई के लिए, और इनका तल्लुक है जी चकवाल से। चकवाल से खान भाई ने हमसे रब्ता किया है और उन्होंने एक हमसे पीसी बिल्ड करवाया है। बहुत से भाई कहते हैं यार आप बजट पीसी क्यों नहीं बिल्ड कर रहे आजकल, तो हमने एक बजट पीसी बिल्ड किया और इतना कम बजट है कि हर कोई इसको लेना चाहेगा। लेकिन इस तरह के कार्ड्स हमारे पास कभी कभार आते हैं 1 GB 2 GB के, जिसके आपका जो सा पीसी है वो नॉर्मल बन जाता है और उसकी जो सी परफॉर्मेंस वो भी अच्छी होती है। तो भाई का बजट तकरीबन नॉर्मल था, लेकिन मैंने उनको एक अच्छी चीज़ तैयार करके दी है। आपको बताते हैं आसिम खान भाई के लिए हमने जो पीसी रेडी किया है इसकी क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर कितनी हार्ड है, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा है, और आपको ये फाइनल कितने तक का मिल सकता है, और डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे, वारंटी क्या होगी, और ऑर्डर करने का तरीका कार क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप जल्दी रब्ता करें। आगे बच्चों को छुट्टियां होने वाली हैं, जो स्टूडेंट्स उनके पेपर भी खत्म होने वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो 9th 10th के पेपर खत्म हो गए। जैसे ही ये पेपर खत्म होगा तो रिस्पॉन्स इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा आएगा। कुछ लोग पेंडिंग पे हैं, कुछ ने आना है हमारे पास, तो जैसे ही वो आएंगे इंशाल्लाह उनको अच्छी प्राइस देंगे, अच्छा रेट देंगे। तो चलते हैं आसिम खान भाई की बिल की तरफ और बताते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमने इनके लिए इसके अंदर यूज़ किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो हमने प्रोसेसर लगाया वो है जी i5 4th generation प्रोसेसर, i5 4th gen 4570 4590 कोई भी प्रोसेसर हो आप ले सकते हैं, 4 कोर 4 थ्रेड वाला ये प्रोसेसर होता है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, i5 की 4th generation है। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो देख सकते हैं आप, H81 मदरबोर्ड है, H81 ASUS में 2 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, इसके अंदर 4 M साटा लग सकती हैं, HDMI DVI केबल की इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल हैं, हेडफोन जैक्स, USB 2.0 USB 3.0 भी इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि बेस्ट लुक आपको देगा और बेस्ट परफॉर्मेंस देगा अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से। और इसके अंदर आप 8 GB तक का कार्ड लगा सकते हैं, i7 4th तक प्रोसेसर लगा सकते हैं, और इसके अंदर आप 16 GB की रैम भी लगा सकते हैं, DDR3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मदरबोर्ड हमने इसके अंदर यूज़ किया है, H81 ASUS में हुआ है, MSI GB जो भी हो 2 RAM स्लॉट में आपको सेम प्राइस में मिल जाएगा और सेम स्पेक्स होंगे इसकी, सेम परफॉर्मेंस होगी। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर हमने जो SSD यूज़ किया है वो है जी 128 GB SSD में इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि बॉक्स पैक है 100% के साथ है, 10x10 कंडीशन के साथ है, और ये हमने इसके अंदर SSD यूज़ किया जो कि आपको 70-80% ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है सिंपल हार्ड ड्राइव से। इसके बाद इसके अंदर जो हमने हार्ड यूज़ किया है वो है जी 500 GB की हार्ड, 500 GB हार्ड जो कि 7200 RPM वाली है, WD ले लें, Seagate, Hitachi, Samsung या एनी अदर ब्रांड आप ले लें, आपको सेम प्राइस मिलेगी, सेम स्पेसिफिकेशन मिलेगी और 100% के साथ आपको ये हार्ड मिल जाएगी। 500 GB की हमने इसके अंदर हार्ड यूज़ की है। इसके बाद हमने जो इसके अंदर सप्लाई यूज़ किया वो नॉर्मल सप्लाई, लेकिन 350 वाट की हमने इसके अंदर पावर सप्लाई यूज़ किया है, 350 वाट सप्लाई जिसके अंदर कनेक्टर्स भी मौजूद हैं, 6-pin कनेक्टर रिक्वायर्ड होता है कार्ड के लिए, तो 6-pin कनेक्टर भी हमने इसके अंदर लगा दिया है ताकि इन फ्यूचर में अगर वो कोई 4 GB का कार्ड लगाना चाहें जिसके अंदर 6-pin कनेक्टर हो तो बस आसानी लग जाए। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं इसके अंदर जो केस लगा है, नॉर्मल केस आप देख सकते हैं अच्छी लुक में है और अच्छी प्राइस में लगा के दिया है, नॉर्मल केसिंग है ये, जिनका बजट कम होता है परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए होती है तो वो नॉर्मल केस की तरफ जा सकते हैं। लास्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया वो है GTX 650 1 GB का कार्ड है, जो कि बेस्ट फॉर गेमिंग, एडिटिंग, रेंडरिंग, आपकी स्टार्टिंग लेवल पे आपकी एक वर्किंग कर सकता है, 1 GB में अच्छा कार्ड है, GigaByte है, सिंगल फैन है और अच्छी प्राइस में देंगे। इसके अंदर पोर्ट्स की बात कर लें जी आप, इस ग्राफिक कार्ड के अंदर जो पोर्ट्स लगी हैं उसके अंदर एक VGA का ऑप्शन होता है और 2 DVI का ऑप्शन होता है, 2 DVI से आप डिस्प्ले लग सकते हैं और 1 VGA से आप डिस्प्ले ले सकते हैं। अच्छा जी, ग्राफिक कार्ड की पोर्ट्स के बारे में आपने देख लिया, इसकी स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मेंस बता दिया कि आपकी नॉर्मल सेटिंग में GTA 5, PUBG, फ्री फायर वगैरह ये गेमिंग सारी आपकी रन कर देगा और इन फ्यूचर में इसके अंदर 8 GB का ग्राफिक कार्ड भी लग सकता है। अब चलते हैं इनकी प्राइजेज़ की तरफ के, क्या क्या प्राइजेज़ हमने कोट किए हैं और आपको ये कितने तक का मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर हमने जो प्रोसेसर यूज़ किया है i5 4th generation 4570 या 4590 इंटेल की सीरीज़ है, इसकी प्राइस हमने कोट किया 7000 H81 मदरबोर्ड ASUS में जो ओरिजिनल है, रिपेयर नहीं है, 10x10 कंडीशन के साथ है, वो हमने इसके अंदर 7000 रुपये का ऐड किया, 2 RAM स्लॉट वाला। 128 SSD की प्राइस आपको पता है 3000 चल रही है, बॉक्स पैक की 3000 ऐड किया है, 500 GB हार्ड 2000 रुपये की ऐड की है, इसके बाद नॉर्मल सप्लाई 350 वाट 3000 से 3500 की चल रही है लेकिन हमने 2000 रुपये की ऐड की है, नॉर्मल केस हमने इसके अंदर 2000 रुपये का लगाया और ग्राफिक कार्ड हमने इसके अंदर 7000 का ऐड किया, तो टोटल बजट बाइक का बना था 35000 लेकिन हमने 34000 में पूरे का पूरा पीसी बाइक को दिया है आसिम खान भाई को, जिनका तल्लुक है जी चकवाल से,
और इनका हमें 4000 एडवांस आ गया था, रिमेनिंग अमाउंट कैश ऑन डिलीवरी थी। अगर आपने कुछ छोटी बिल बनानी है तो कुछ पैसे एडवांस करें, रिमेनिंग अमाउंट कैश ऑन डिलीवरी। इसके अलावा और भी बिल्स पेंडिंग पे हैं, कोई 1.5 लाख वाली, कोई 2 वाली, कोई 1,20,000 वाली, उनकी वीडियोस भी लगाते हैं, आपको बताते हैं कि वो किस तरह से बुक करवा सकते हैं आप। थोड़ी महंगी बिल्ड होती है तो उसके लिए बुकिंग का तरीका थोड़ा ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं इसके डिलीवरी की, कि भाई ने 4000 एडवांस कर दिया था और बाकी अब पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी थी, जब उनको पीसी रिसीव होगा तो पैसे बाकी पे कर देंगे। और इसकी वारंटी की बात करें, 7 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी, मैं बार बार कोड करता हूँ, 7 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी है, नो वारंटी ऑफ डेड डैमेज और बर्न, इनकी वारंटी कोई नहीं होती। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है काफ़ी अरसा हो गया ये वर्किंग करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से पैक करते हैं और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचती है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। सारी ट्रस्ट बेस की बात होती है तो ट्रस्ट बेस पर ही हमारा ये काम चल रहा है, आपके ट्रस्ट की वजह से हमने ये सेटअप तैयार किया और नीचे भी हमारी शॉप है, तो आप जहाँ से भी चाहें रब्ता करके ये हमसे बाय कर सकते हैं। और एक दिन भी काफ़ी होता है चेक करने के लिए, अगर चीज़ में कोई फॉल्ट हो तो विद इन 1 डे पता चल जाता है। लेकिन आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपके अतमाद के लिए आपको 7 डेज दिए जाते हैं, इनको चेक करें, अगर कोई मसला तो हमें बताएं, तो ये आपका हल मसला हो सकता है। बाकी चीज़ जहाँ से भेजते हैं आपको वीडियो कॉल करते हैं, इसके अलावा आपको इसका सीरियल नंबर सेंड करते हैं, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से सेंड करते हैं ताकि आपको पता चले जो चीज़ आपको दिखाई है वही आप तक पहुँची है। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसी बिल्ड हमसे लेना चाहते हैं किसी किस्म की कोई भी, तो रब्ता करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।